वेलकम टू तनीषा ब्लॉग। अभी मैं बना रही हूँ कढ़ी, और कढ़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले ली हूँ 400 ग्राम दही और 200 ग्राम लगभग बेसन है। और एक बड़ा बॉल में मैं बेसन को छान के रख ली हूँ। अब मैं दही को छानूंगी। तो यहाँ पे दही छानने के लिए मैं मोटा नेट का छन्नी ले ली हूँ और इसमें दही डाल के मैं इसको छान रही हूँ। ऐसा करने से दही में गुलटियाँ नहीं पड़ती और दही अच्छे से मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बॉल में बेसन और दही दोनों को छान के ले ली हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मसाला। मसाला में ले ली हूँ मैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक। सबको डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे। और अब मैं इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से फेंट लूंगी। तो सबसे पहले मैं इसको मिक्स करके अब मैं पानी डाल के इसके बेस को रेडी कर ली हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं फेंट के अब बेस रेडी हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे तड़का लगाऊंगी। तड़का के लिए मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ देसी घी। घी भी मेल्ट हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, जीरा, राय और मेथी दाना। मेथी दाना मैं सबसे लास्ट में डालूंगी क्योंकि मेथी दाना जल्दी जल जाता है और जलने से उसका कड़वा टेस्ट आ जाता है, इसलिए मैं इसको लास्ट में डालूंगी। और फिर मैं सबको मिक्स कर दी हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हींग। हींग को भी डाल के तड़का के साथ अच्छे से मिक्स कर दूंगी। साथ ही में मैं डाल दूंगी इसमें कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डाल के भी मैं इसको मिक्स कर दी। अब मैं इसमें डालूंगी पीसी हुई प्याज, ये दरदरा पिसा हुआ है। अब मैं इसको अच्छे से तड़का के साथ मिक्स करके अच्छे से प्याज को पका लूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा प्याज पक गया है और इसका जितना भी कच्चा पानी था ये सूख गया है और कलर भी चेंज हो गया, ये गोल्डन हो गया है। तो अब मैं इसमें जो कढ़ी का बेस रेडी करके रखी हूँ उसको डालूंगी। तो यहाँ पे ये रहा कढ़ी का बेस, मैं अब इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। तो इसी तरह से चलाते हुए कढ़ी के बेस को कढ़ाई में डाल के अच्छे से मिक्स कर दूंगी और फिर मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी। जब तक इसमें एक उबाल आएगा तब तक फ्लेम को हाई ही रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैं सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर दी। अब मैं इसको ढक दूंगी और ढक के एक उबाल आने तक इसको हाई फ्लेम पे पकाऊंगी। तो यहाँ पे मैं अभी इस पे ढक्कन डाल दे रही हूँ। तो ये ढक्कन डाल के ढक दी। अब मैं इसको ढक्कन हटा के चेक करूंगी। तो देखिए यहाँ पे इसमें उबाल आ गया है और ये ठीक भी हो गई है, देख सकते हैं। तो अब मैं इसको ऐसे ही कंटिन्यू चलाते रहूंगी क्योंकि बेसन जल्दी नीचे बैठ जाता है, तो ऐसे में जल जाएगा। तो इसको चलाते रखना है और कंटिन्यू ऐसे चलाते ही इसको 20-25 मिनट तक पका लूंगी कढ़ी को। तो यहाँ पे देखिए मेरा कढ़ी पक गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ भुनी हुई कस्तूरी मेथी और इसको भी डाल के अच्छे से मैं कढ़ी में मिक्स कर दी हूँ। तो इस तरह से मेरा कढ़ी रेडी हो गया है। आप लोग भी इस तरह से कढ़ी ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से बनाने से कढ़ी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही मस्त बन के रेडी होती है। तो ये कढ़ी का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।